क्या अनुपमा को बर्बाद करने के लिए बार मिलाने वाली है माया से हाथ? जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बा और अनुपमा जो हैं दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, क्योंकि जब से अनुपमा ने तोशु की मदद नहीं की थी तब से बा जो है वो बार बार अनुपमा पर भड़की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि बा जो है वो सेल्फिश है, वो अपनी सेल्फिशनेस दिखा कर ही बार बार अनुपमा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं अनुपमा से मतलब निकलवाने की भी कोशिश करती रहती है। लेकिन इस बार अनुपमा ने अपने हाथों को साफ खड़ा कर लिया और बोला कि मैं तोशु की मदद बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, जिस बात से बा जो है वो भड़की हुई है अनुपमा पर। तो मकर संक्रांत के अवसर पर आप देखेंगे किस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होने वाली हैं। लेकिन इससे पहले भी और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। भैया आपको बता दें कि आप देखेंगे किस तरह से काव्या जो है वो वनराज से लड़ाई करती है, क्योंकि वनराज उस पर तरह तरह के ब्लेम लगा रहा है और साथ ही बा जो है वो भी काव्या को सुना रही है। लेकिन इस बार काव्या ने सबकी बोलती बंद करा दी है। काव्या ने बा की बोलती बंद कराते हुए कहा कि अरे आप रहने दीजिए, मुझे पता है आपकी सोच कैसी है, लेकिन वनराज तुम तो ऐसे नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है मैंने तुमसे प्यार किया है तभी तुमसे शादी की है, लेकिन बा हमेशा मुझे ताने देती रहती है। और सबसे बड़ी बात, मोहित के साथ मेरा क्या रिश्ता है क्या नहीं ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, और ऑफिस में जाकर कौन कैसा होता है कैसा नहीं ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। खुद को सही रहना चाहिए, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है मैं सही हूँ तो आने वाला बंदा भी सही ही होगा। ये सारी बातें सुनकर तो वनराज भी हैरान रह जाता है और वो शांति से चुप खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अनुपमा और अनुज जो है माया के बारे में सोच कर परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि जिस तरह से माया ने ड्रेस भिजवाई है छोटी अनु के लिए, तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं अनुपमा अनुज को परेशान कर रही हैं। और दोनों यही बातें कर रहे हैं कि अब तो माया मकर संक्रांत के अवसर पर मिलेगी, जब उस फंक्शन में मिलेगी तभी पता चलेगा कि आखिर माया चाहती क्या है और ये है कौन। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से सवेरा हो जाता है और सारे के सारे पूजा करने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुपमा अनुज छोटी अनु और डिंपल की। आप देखेंगे ये चारों पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन आप तभी देखेंगे कोई और है जो इन पर नजरें गड़ाए बैठा है। आप देखेंगे किस तरह से वो माया जो है इनकी फोन में फोटो कैप्चर कर रही होती है। ये सारी बातें अभी अनुपमा को नहीं पता है, लेकिन देखेंगे किस तरह से ये लोग खुशी खुशी जो है पूजा कर रहे होते हैं। और वहीं पर अंकुश और बरखा भी आ जाते हैं और अनुपमा अनुज उन्हें समझाते हैं कि आज तो ये सारी चीजें भूल के आगे बढ़ो। तो वहीं पर आप देखेंगे किस तरह पाखी अधिक के बीच में भी रोमांस दिखाया जाएगा। अधिक पाखी की इतनी तारीफ में करेगा कि पाखी भी खुश हो जाएगी और उसे गले से लगा लेगी। वहीं जहां मकर संक्रांत का अवसर आ गया है, आप देखेंगे किस तरह से बा ये प्रार्थना करती है कि कपाड़िया परिवार इस फंक्शन में ना मिले। लेकिन आप देखेंगे किस तरह से अनुपमा और बा का फिर से आमना सामना होने वाला है, जिसके बाद बा जो है वो कहती है तेरे परिवार पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। अनुपमा अनुज इस बात से घबरा जाते हैं और आप देखेंगे किस तरह से माया जो है वो भी यही बात कहती है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब आने वाले में क्या होगा इसके लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें।